हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट रूल क्या है। सी, जब भी दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, मींस आपके पास एक फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। मीन्स अगर वाई में ये मान के चलूँ और मैं कहूँ कि आप बताइए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये होगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपने इस तरह से रूल देखा होगा यू वी करके, कि यू डी वी प्लस फिर पहले का डिफरेंशिएशन डी वी इन डी यू इंटू वी, मीन्स पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरा एज इट इज आ रहा है। तो अगर आपको इस तरह से याद करना है तो कर सकते हो, और अगर आपको इस तरह से याद करना है जो कि मैं प्रिफर करता हूँ फर्स्ट और सेकंड बोल के, तो ये भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखो, फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन आई होप पिछले वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्लस अब सेकेंड एज इट इज, अब सेकेंड को आप एज इट इज रखोगे और अब डिफरेंशिएशन होगा पहले का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, अगर आप एकदम जीरो से, बेसिक से, स्क्रैच से डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं तो ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री, और ये हो जाएगा एक्स फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके और आपस में प्लस कर सकते हैं, वो बात की कहानी है। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री के नहीं ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में लूंगा, तो इस वीडियो में मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि प्रोडक्ट रूल किस तरह से काम करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इनको प्रोडक्ट रूल से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप ये नहीं करना कि इसका वन कर दिया, जीरो कर दिया, सीधा करते चले गए, नहीं। अगर ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के साथ तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट एज इट इज, फॉर्मूला जैसे काम करता है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ए वैसा का वैसा आ जाएगा टू एक्स, बी फिर एज इट इज आ जाएगा और एक्स का वन होता है आप जानते हैं, और सी का जीरो हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। फिलहाल तो हम इसको टू ए एक्स प्लस बी लिखेंगे और ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और ये वन हो गया, ठीक है। ध्यान रखना एक्स प्लस फोर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वन आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स का तो वन आ गया और फोर का जीरो होता है। तो आई होप अब इसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट ये इस तरह से होता है। तो आपको समझ आ गया प्रोडक्ट रूल क्या है। अब बात करते हैं डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल में क्या है कि हमारे पास एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, देखो डिफरेंशिएशन का ये भी सिंबल लगाते हैं, ठीक है ना, जहां पे ये लगाए डैश इस तरह से प्राइम,
तो इसको डिफरेंशिएशन अज्यूम करना। ओके, तो ध्यान रखना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो मेरा याद करने का तरीका आप वैसे करना। न्यूमरेटर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी पहले इसे लिखेंगे एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिखना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान रखना क्या तरीका है, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका आप चाहो तो यहां पे पहले d अपॉन dx कर लो, एक स्टेप बढ़ाने वाली बात है वो, आपने हो सकता है कि आप इस तरह से देखो, ठीक है, मैं तो सीधे डिफरेंशिएट कर देता हूं खैर, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल मैं फिलहाल लगा रहा हूँ, अभी मैं पूरा डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी इसका डिफरेंशिएशन अभी किया नहीं है, अभी बस इस तरह से लिखा है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर ये है, डिफरेंशिएशन का सिंबल लिखा है, किया नहीं है अभी, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्यों, x का 1 और 1 का 0, यहां पे ये 1 हो गया, सेम रीजन, अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, अच्छा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, लेकिन ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये x कटा और फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, डिफरेंशिएशन ये है, तो ये समझ आ गया। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन करो और वीडियो को पॉज करना और फिर आप उसे डिफरेंशिएट करना और उसके बाद फिर वापस इस वीडियो पे आना। ये है, इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो यहां पे वीडियो को पॉज करो। ओके, तो आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, मैं इस क्वेश्चन को अब कर रहा हूं यहां पे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अब मैं सीधे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो 4 तो ठीक है अपनी जगह पे, जो एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा 2x, फिर x का 1 होता है आप जानते हैं और 5 का 0 अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला कहता है। यहां पे जो है आप चाहो तो 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही हो गया है इसमें, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा यहां पे जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है क्या, 4 × 8 प्लस 1, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, तो ये कैसे होगा, देखो बस इसमें अब ब्रैकेट ही ओपन करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट डन है ये,
ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कैंसिल, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1 अपॉन 4x² प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, बेसिकली आई थिंक आपको समझ, मेन स्टेप ये है कि किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आई एम श्योर आपको डिवीजन रूल भी समझ आ गया होगा। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सब में अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे, लॉग वाले पढ़ेंगे, सब आएगा। फाइनली मैं आपको चेन रूल बता रहा हूँ कि चेन रूल क्या है। देखो, चेन रूल इस तरह से काम करता है कि अगर आपके पास इस तरह से है 4x² प्लस 3x प्लस 4, इसकी पावर है 12, और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप इस पावर के हिसाब से करोगे और फिर धीरे धीरे आप अंदर जाओगे। तो देखो, पावर के हिसाब से क्या हमने क्या होगा, 12 4x² प्लस 3x प्लस 4 11। आपको पता है ना, पावर आगे आती है और एक माइनस हो जाता है इनटू। अब इसका अलग से यहाँ पे करेंगे तो 4 × 8 एक्स प्लस 3। देखो ये, मैं अगर आप ये वीडियोस ठीक से देख रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों हुआ। तो मैंने क्या किया, पहले पावर के हिसाब से किया और जब हो गया फिर मैंने अंदर का किया। आप देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 12 को आगे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे वो 8x+3 करेंगे, पता नहीं क्या इस तरह से कर देंगे। ये गलत है, ऐसा मत कर देना। पहले पावर को आगे लो, 1 माइनस करो पावर, सिंपल, फिर अंदर वाले का करो डिफरेंशिएशन। तो ये है, इस तरह से चेन रूल काम करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x+1। अब इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, खैर ये जो आपको पता है कि क्या कैसे करते हैं, जो ये स्क्वायर रूट है ये पावर में 1/2 करके चला जाता है। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो पहले तो ये आगे आएगा, पावर आगे आएगी, और अंदर एज इट इज, और पावर 1 माइनस होती है ना, ये आप जानते हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा वहाँ पे इन टू। अब अंदर वाले का अलग से होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 × 12 x² प्लस 4x+7, 1 का तो 0 होता है, तो ये आ गया इसका, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। आप चाहो तो ये माइनस पावर है तो इसको अपॉन में लिख सकते हो। ठीक है, वेल, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने डिवीजन रूल किया, मल्टीप्लिकेशन रूल किया, प्रोडक्ट रूल हम जिसे कहते हैं, और चेन रूल, इसका भी हमने बेसिक समझा है। ओके, अभी इसमें बहुत कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री के जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे फिर जाके रियल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को लेके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।